हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तस्लीम एंड आज का जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करूंगी कि मैंने इंडिगो एयरलाइंस का इंटरव्यू कैसे क्रैक किया। सो फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को मुझे इंडिगो एयरलाइंस से मेल आया था। उस टाइम पे हमें ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता था। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में अगर हमारा सीवी को वो शॉर्टलिस्ट करते हैं तो वो हमें इंटरव्यू की लोकेशन हमें सेंड करते थे। सो फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को मैंने अप्लाई किया था। 27 सेप्टेम्बर को चेन्नई, बैंगलोर एंड हैदराबाद के लिए दे वर हायरिंग। सो फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को मुझे मेल आया था उनकी तरफ से कि आपका जो सीवी है वो शॉर्टलिस्ट हो गया है एंड आपको इस जगह पे इंटरव्यू देने के लिए आना है। तो 5 अक्टूबर को मेरा इंटरव्यू था एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि मेरा फर्स्ट टाइम मेरा सीवी शॉर्टलिस्ट हो गया था। एक बार मैंने और अप्लाई किया था दिसंबर में लास्ट ईयर, बट उस टाइम पे भी मेरा सीवी सिलेक्ट हुआ था। सेकेंड राउंड मेरा फोन पे उन्होंने इंटरव्यू लिया था तो उसमें मैं रिजेक्ट हो गई थी। सो नेक्स्ट टाइम जब मेरे पास ये आया मेल तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय इंटरव्यू। सबसे पहले मुझे हाफ स्लीव की शर्ट ऑर्डर करनी थी तो मैंने मीशो से, जो आपको काफी ज्यादा पसंद भी आई थी, आपने मुझसे पूछा भी था कि ये शर्ट आपने कहाँ से बाय करी, तो वो शर्ट मैंने बाय की थी मीशो पे। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो वो शर्ट को पहनकर मैंने एक व्लॉग भी बनाया था कि मैंने इंटरव्यू कैसे क्रैक किया था। आप लोग को काफी ज्यादा अच्छा भी लगा था वो वीडियो। सो जब मैंने वो शर्ट मंगवाई थी तो मैंने फर्स्ट सेकंड को ऑर्डर करी थी, तो मुझे वो शर्ट चाहिए थी 5 अक्टूबर को, बट 4 अक्टूबर तक वो शर्ट नहीं आई थी। तो आई वॉन्ट सो टेंस्ड, मेरा इंटरव्यू है आज, सो कल तो क्या होने वाला है। सो आई केप्ट आस्किंग माई फ्रेंड्स कि आपके पास हाफ स्लीव्स की शर्ट है, हाफ स्लीव्स की शर्ट है, किसी के पास भी हाफ स्लीव्स की शर्ट नहीं है। बिकॉज हम जितने भी कैबिन क्रू इंटरव्यूज देने जाते थे हम हमेशा जो फुल लेंथ की स्लीव्स ही पहनना पसंद करते थे, बट इंडिगो एयरलाइंस की जो यूनिफॉर्म है वो हाफ स्लीव्स की है। तो वो यही मेंशन करते हैं अपनी वेबसाइट पे कि हम हाफ स्लीव्स की शर्ट ही पहने। बट लास्ट में 4 अक्टूबर को रात को 8 बजे मुझे मेरा ऑर्डर मिल गया था मीशो से हाफ स्लीव्स की शर्ट। सो आई वॉज सो हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। तो 5 अक्टूबर को मेरा इंटरव्यू था। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बिकॉज जिस दिन इंटरव्यू होता है ना उस दिन अलार्म लगाने की भी जरूरत हमें नहीं होती है, तो मैं बहुत जल्दी सुबह उठ गई थी। सुबह उठते ही मैंने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, थोड़ा सा मैंने लाइट सा मेकअप किया। वीडियो आपके साथ मैंने शेयर भी किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। सो मैंने लाइट सा मेकअप किया, देन आई वेंट फॉर माई इंटरव्यू। इंटरव्यू में जाते टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम उस टाइम पे दिल्ली में आई ही थी मैं, मुझे 1 वीक ही हुआ था। तो फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली की मेट्रो से ट्रेवल कर रही थी। सो मेरा इंटरव्यू था 11 बजे, बट आई गॉट लेट बाय हाफ एन आवर, बिकॉज मैं इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। बिकॉज 1.5 आवर का मेट्रो से वो ट्रैवल मुझे करना था दिल्ली द्वारका से गुड़गांव गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन पे। सो मैं बीच में ये हुआ था कि जो रिटर्निंग स्टेशन था वहीं से मैं वापस से रिटर्न हो गई थी। 3-4 स्टेशन मैंने फिर से दिल्ली की तरफ चली गई थी, देन वापस से मुझे गुड़गांव की तरफ आना पड़ा। तो इस तरह से मेरा जो हाफ एन आवर था वो मैं इंटरव्यू के लिए लेट हो गई थी। तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस थी कि मैं लेट हूँ, पता नहीं वो सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। बट जब मैंने वहाँ पे इंटरव्यू के लिए मैं पहुंची थी तो मैंने वहाँ पे ये देखा कि काफी सारी जो कैंडिडेट्स थी, काफी सारी जो गर्ल्स थी, वो बिना इन्विटेशन मेल के ही आ गई थी एंड एचआर ने हमारा इन्विटेशन मेल चेक भी नहीं किया था। सो वहां जाने के बाद में हमने अपना लाइन बनाई, काफी ज्यादा बड़े बड़े लाइंस बन रही थी। अब हॉल था उसमें हम काफी सारी गर्ल्स थी। तो जब मैं 11 बजे पहुंची तो मेरा इंटरव्यू हुआ था 12:30 बजे फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड में हम लोग 7 गर्ल्स थी, 7 गर्ल्स हम रूम में, एक रूम में हम लोग गए थे जिसमें हमारे 2 एचआर थी। तो उन्होंने हमसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था, व्हाई डू यू थिंक एविएशन इंडस्ट्री इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। सो मैंने शायद इसमें फोर्थ या फिफ्थ नंबर पे बोला था इस पे एंड मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या बोलना है, बट जो भी मेरे माइंड में आया आई केप्ट स्पीकिंग दैट। सो मैंने कुछ इस तरह से बोला था कि एविएशन इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बिकॉज मैं यूट्यूबर हूँ, कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे हमेशा मैं इतने सारे कैंडिडेट्स देखती हूँ जो एविएशन इंडस्ट्री के लिए इतनी एक्साइटेड हैं एंड कोविड के बाद में भी सिर्फ यही इंडस्ट्री है जो इतना ज्यादा ग्रो कर रही है, जैसे कि इंडिगो एयरलाइंस ने भी फिर से हायर करना स्टार्ट कर दिया है। एग्जैक्ट मैंने जो कैसा आंसर बोला था वो मैंने आपसे मेरे एक अलग वीडियो में शेयर किया, तो अगर आपको जानना है तो आप मेरा वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जब मैं इंटरव्यू दे रही थी तो मैं साथ में व्लॉगिंग भी कर रही थी, सबसे मैं बात कर रही थी एंड आई थिंक हमें जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। सो वी शुड स्टार्ट टॉकिंग बाय ब्रेकिंग द आइस विद न्यू पीपल।
जितना हम नए नए लोगों से बात करेंगे, खुद हम चल के बात करेंगे, स्माइल करेंगे, तो हम कम नर्वस फील करेंगे। एंड हुआ ये था कि उस टाइम पे मैं एयर इंडिया सेट्स जो ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है जिसमें मैं विस्तारा एयरलाइन में एज अ ग्राउंड स्टाफ वर्क कर रही थी, सो मेरा उस दिन शिफ्ट था शाम को 2 बजे से। तो मैं ये सोच कर गई थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा बिकॉज मेरे काफ़ी ज़्यादा स्कार्स थे पैरों पे, हाथों पे। सो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कैबिन क्रू के लिए ऐसे सिलेक्ट हो जाऊंगी। सो मैंने सोचा कि चलो यूनिफॉर्म लेकर चलते हैं, इफ आई गेट रिजेक्टेड इन द ग्रूमिंग राउंड मैं अपने ऑफिस चली जाऊंगी। बट जो मेरा फर्स्ट राउंड था वो मैंने क्लियर कर लिया था, सेकंड राउंड था वो मेरा शाम को हुआ था लेट, तो मैं अपने ऑफिस भी नहीं जा पाई थी। एंड मुझे एयर इंडिया सेट से काफ़ी लोग फोन कर रहे थे बट मैंने वो फोन भी पिकअप नहीं किया था, जिस वजह से मुझे बाद में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हुई थी बिकॉज हम ऐसे बिना बताए नहीं जा सकते हैं। बट आई थॉट कि मैं सेलेक्ट नहीं होंगी तो मैं फिर चले गई थी इंटरव्यू के लिए। तो मेरा शाम को 5 बजे हुआ था सेकंड राउंड, जिसमें उन्होंने हमसे ये क्वेश्चन, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, सो सेकंड राउंड में उन्होंने हमसे पूछा, हम 10 गर्ल्स थी, तो उन्होंने हमसे पूछा व्हाई डू यू थिंक प्रोवाइडिंग एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस इज इम्पोर्टेंट, आपको क्यों लगता है कि एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करवाना इम्पोर्टेंट है। सो इसका मैंने आंसर बहुत ज़्यादा अच्छे से दिया, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया बिकॉज मैं उस टाइम पे विस्तारा एयरलाइंस के साथ वर्क कर रही थी, ट्रेनिंग में थी। बट स्टिल मैंने मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि एक पैसेंजर थे जिनका बैगेज सिक्योरिटी होल्ड एरिया SHM में रुक गया था, तो मैंने कैसे उन पैसेंजर की जल्दी से हेल्प की, फ्लाइट उनको बोर्ड करवाने में कैसे मैंने हेल्प करी। सो ऐसा कुछ मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने उनके साथ शेयर किया। तो देन आई गॉट सेलेक्टेड इन द सेकंड राउंड एज वेल। सेकंड राउंड में हम 10 गर्ल्स थी, 10 में से हम 2 को उन्होंने सेलेक्ट किया था, जो एक मेरे साथ में थी वो स्पाइस जेट की एक्स कैबिन क्रू थी, एक मैं थी जो कंप्लीट फ्रेशर थी एज अ कैबिन क्रू इस एविएशन इंडस्ट्री में। तो जो थर्ड राउंड था वो हमारा ग्रूमिंग राउंड था। ग्रूमिंग राउंड में उन्होंने हमारी हाइट, वेट, BMI, टीथ, सारी चीज़ें चेक करी थी। ग्रूमिंग राउंड के बाद में हमारा जो फोर्थ राउंड था वो पर्सनल इंटरव्यू राउंड था, जिसमें उन्होंने सिर्फ मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि आपने इंडिगो ही क्यों चूज़ किया, आपने विस्तारा एयरलाइंस को क्यों चूज़ नहीं किया, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन विस्तारा एयरलाइंस एज अ ग्राउंड स्टाफ। सो फिर इसका भी मैंने आंसर बता दिया, लाइक आई वॉज नॉट फीलिंग नर्वस एट ऑल। मुझे लग रहा था कि अब थर्ड राउंड क्लियर हो गया, ग्रूमिंग राउंड स्कार्स उन्होंने नहीं देखी इतना, एंड तो मुझे लगा कि शायद अब इतना वो नहीं पूछेंगे। सो फोर्थ राउंड भी मेरा क्लियर हो ही गया था। देन फिफ्थ राउंड हमारा होने वाला था वर्चुअल इंटरव्यू, वाइस प्रेसिडेंट इंडिगो के साथ वर्चुअल इंटरव्यू होने वाला था, बट वो हमारा नहीं हो पाया। तो देन रात को 9:30 बजे उन्होंने हमें कहा कि चलो आप यू ऑल आर सिलेक्टेड, हम 25 गर्ल्स थी जिनका सिलेक्शन हो गया था। तो उन्होंने हमें अपना कुछ फॉर्म फिल करने के लिए दिया था कि आपके 2-3 दिन बाद में मेडिकल्स हैं। तो इस तरह से मैंने मेरा इंडिगो का इंटरव्यू क्लियर किया। 2-3 बातें आपको मैं बताना चाहूँगी, वो ये है कि आपके मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरे हाथों पे स्कार्स हैं, मेरे पैरों पे स्कार्स हैं, आई हैव मेरे zigzag टीथ हैं, मीन्स ये स्कार है, टैटू है। तो मैं आप लोग को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप भी मेरी तरह ये सोच लेंगे कि मेरे स्कार हैं तो मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, तो फिर हम कभी भी नहीं होगा। तो अगर आपके कुछ स्कार्स भी हैं हैंड्स पे, लेग्स पे, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा उनको कंसील करके जाइए। टीथ भी अगर आपके थोड़े से, मीन्स मेरा भी एक टीथ है जो थोड़ा सा ऊपर आगे की तरफ निकला हुआ है, सो आई ऑल्सो यूज टू थिंक कि शायद मुझे वो सर्जरी करवाने के लिए बोलेंगे, कुछ करवाने के लिए बोलेंगे। बट अगर आप खुद से ही अपनी मेंटेलिटी बनाकर जाएंगे नहीं इंटरव्यू देने के लिए, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिए, और किसी और से पूछने के बजाय आप एक बार ट्राई कीजिए, खुद जाकर देखिए। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। सो इस तरह से ये था मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। आई होप आपको मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।